वेलकम टू मेकला। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो बेसिकली हाइड्रोलिक जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, तो इसको जैसे हम स्प्लिट करते हैं दो वर्ड्स में, तो ये होता है हाइडर एंड ऑलस। तो हाइडर का जो मतलब होता है ग्रीक वर्ड में होता है वाटर, और ऑलस का मतलब होता है पाइप। तो हाइड्रोलिक्स पे पास्कल ने एक लॉ डिराइव किया था, तो वो लॉ क्या है? तो ये लॉ है, इट स्टेट्स दैट व्हेन देर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इट कन्फिन्ड फ्लूड देन देर इज एन इक्वल इंक्रीज एट एवरी अदर पॉइंट इन द कंटेनर। तो इसका मतलब क्या होता है? सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें वाटर है। जब हमने इसमें प्रेशर, जो वाटर है वो लिमिटेड है, मतलब वो कन्फिन्ड है, ठीक है। तो जब हमने इस वाटर में एक पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया, तो जो प्रेशर है इंक्रीज जब किया हमने प्रेशर, तो वो इंक्रीज इन प्रेशर हर एक पॉइंट में सेम रहेगा। मीन्स यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। मीन्स जो वाटर है इसके हर एक मॉलिक्यूल को प्रेशर सेम रहेगा, और जो इंक्रीज कब होते रहेगा, जब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कहता है पास्कल लॉ। अब समझते हैं हम हाइड्रोलिक का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सो बेसिकली तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे आप देख रहे हैं गैस में, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही डिस्प्रेस्ड है, और इनके बीच में का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो इसके चक्कर से क्या होता है, जब गैस पे प्रेशर पड़ता है तो वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है। पर वही देखे तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही क्लोज बॉन्डेड है, और इनके बीच गैप भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है। और वैसे देखा जाए तो लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, करके इसके बीच में का जो गैप है वो भी बहुत कम है, पर इन बहुत सम रेयर केसेस में वो कम्प्रेसिबल होता है, पर ज़्यादातर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड क्या होता है, इजीली फ्लो भी होता है, तो इसे हम हाइड्रोलिक्स में यूज़ भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक्स में इसलिए लिक्विड यूज़ किया जाता है। ये देख रहे हैं इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन में कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो यहाँ से ये प्लंजर है इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन के प्लंजर से जब ये यहाँ से फोर्स प्रेशर अप्लाई करता है होता है, तो ये जो लिक्विड है जो इनकम्प्रेसिबल है, तो ये कंप्रेस नहीं होता है, और ये सामने से निकलता है। जो सामने का जो एंड है वो बहुत ही नैरो है, इसके चक्कर से जब भी ये प्रेशर अप्लाई होता है तो ये बहुत रैपिडली, मीन्स वो जो फ्लूइड की जो निकलने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे एक टाइप का ये एक मैकेनिज्म है। ये देख रही है इंजेक्शन का मैकेनिज्म टाइप का है। तो आप ये देख रही है इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी चौड़ा है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम है इस से कंपेयर किया जाए तो। तो जैसे आप ये देख रहे हैं इस टाइप का प्लंजर है, तो जब इस प्लंजर से हम इस लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो ये लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, मीन्स ये कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हमने इस प्लंजर से इस लिक्विड में जो प्रेशर अप्लाई किया, तो ये जो लिक्विड है यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा, पर यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एज़ कम्पेयर टू यहाँ से, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी छोटा है। तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो जो इसकी जो स्पीड हो, जो वेलोसिटी है इस लिक्विड की, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से हमने बल्कि थोड़ा सा, मीन ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई किया, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, और यहाँ से इसका एंड नैरो होने के चक्कर से ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसका ही उल्टा मैकेनिज्म हम हाइड्रोलिक्स में यूज़ करते हैं। हाँ जी, मतलब ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं इसका बस अपोजिट मैकेनिज्म हम हाइड्रोलिक्स में यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया उस मैकेनिज्म का बिल्कुल रिवर्स या अपोजिट ये हाइड्रोलिक्स का मैकेनिज्म है। तो जैसे उस मैकेनिज्म में यहाँ से लिक्विड रिजेक्ट हो जाता है, मीन्स यहाँ से लिक्विड वो स्पीडली निकल रहा था बाहर, तो इस मैकेनिज्म में हम इस एंड से, जो ये नैरो एंड है या इसे नोजल भी बोल सकते हैं, इस नैरो एंड से हम लिक्विड को
यहाँ से एंटर करवाएंगे जिसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई रहेंगी, मीन्स यहाँ से बहुत स्पीडली हमको उस लिक्विड को एंटर करवाना पड़ेगा। जैसे ही लिक्विड यहाँ से एंटर होते हुए इस एरिया में आया, तो इधर से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा, पर जब ये यहाँ पे आएगा तो ये पूरा मीन्स यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। पर यहाँ से हम लगातार इस लिक्विड को हाईली स्पीड में मतलब इस यहाँ से तो यहाँ इस सिस्टम में भेज रहे, तो इसके चक्कर से यहाँ पे पूरा लिक्विड भर जाएगा और लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबल होने के चक्कर से यहाँ से तो वो निकलेगा नहीं, करके यहाँ से इंजेक्ट मतलब इंजेक्ट हो रहा है लिक्विड वो भी बहुत स्पीडली, तो वो उसके चक्कर से जो ये जो प्लंजर है अपवर्ड मूव होगा करके, ये जो लिक्विड है इस प्लंजर को अपवर्ड मोशन अप्लाई करेगा, इसके चक्कर से ये प्लंजर अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है हाइड्रोलिक्स का मैकेनिज्म। जब लिक्विड इसमें फोर्स प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये जो प्लंजर है ये अपवर्ड मूव करेगा, जिससे ये प्लंजर कैपेबल रहेगा कोई भी हेवी लोड को लिफ्ट करने के चक्कर लिफ्ट कर सकेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म फॉलो करता है पास्कल लॉ। तो ये मैकेनिज्म हम ज़्यादा बेसिकली यूज़ करते हैं डिगर में, या क्रेन में भी यूज़ करते हैं, और एलिवेटर्स में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोलिक का जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो आप ये देख रहे हैं, ये डिगर है, हाइड्रोलिक डिगर बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें जो यहाँ पे आपको कुछ रेड एरो और ब्लू एरो दिख रहे हैं, तो रेड एरो इंडिकेट करते हैं हाइड्रोलिक रैम्स को, और ब्लू एरो इंडिकेट करते हैं हाइड्रोलिक केबल्स को। तो यहाँ पे चार हाइड्रोलिक रैम है, ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और हाइड्रोलिक केबल्स तीन है, एक और ये दूसरा और ये तीसरा। तो हाइड्रोलिक रैम का काम होता है वो प्लंजर या पिस्टन को सामने फोर्स पुल करता है, और जब इस हाइड्रोलिक केबल से उसमें उस सिलेंडर में ऑयल प्रेशर मतलब ऑयल प्रेशराइज करते हैं, और उसके वजह से ये रैम है वो एक्सटेंड होता है, और जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ये मूव करता है और जो मट्टी है वहाँ की वो खोदता है। तो ये यहाँ से ऑयल आएगा तो ये एक्सटेंड होगा तो ये भी मूव करेगा, और यहाँ से आएगा तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए यार इसको और अच्छे से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था वो हाइड्रोलिक डिगर है, तो वो उस हाइड्रोलिक डिगर का ये रैम देख रहे हैं, एक रैम है। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको इसके एक व्यू में बताता हूँ। तो ये उसका एक टाइप का स्कीमेटिक डायग्राम है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से वो हाइड्रोलिक मीन्स लिक्विड आएगा, और लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो इस रैम को प्लंजर ये रैम को फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करेगा, जिससे ये जो रैम है ये या प्लंजर है ये साफ सामने मूव करेगा। तो जो वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ से ये पाइप देख रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर जस्ट ये जो पाइप है इससे लिक्विड आएगा और यहाँ पे फिल होगा, और ये प्रोवाइड करेंगे इस रैम को फॉरवर्ड मोशन, जिसकी वजह से ये रैम सामने जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे ये सामने तो जाएगा पर वापस पीछे कैसे आएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक और मैकेनिज्म बताता हूँ। तो ये रैम आगे पीछे ऐसे मूव करेगा, तो ये सपोज ये सिलेंडर है और ये रैम है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं इसको, इस रैम के दो साइड है, एक यहाँ एक ये है और एक ये है, इसमें बीच में रैम ने पार्टीशन करके रखा है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक केबल अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोलिक केबल अटैच है। जब रैम को फॉरवर्ड मूव करना रहता है तो यहाँ से ऑयल एंटर होता है और यहाँ से वो बैकवर्ड जाता है, और जब रैम को बैकवर्ड मूव होना रहता है तो यहाँ से ऑयल एंटर होता है और यहाँ से वो ऑयल बैकवर्ड मूव होता है, जिसके वजह से ये रैम आगे पीछे मूव कर सकता है, और वो उस डिगर का हैंडल या जो पार्ट है वो इधर उधर मूव होता है। ठीक है,
तो ये मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो पहला एडवांटेज क्या है, इजी एंड एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब होता है अगर वो ऑपरेटर ने एक लीवर पुल किया तो वो पार्ट उतना ही मूव करेगा जितना उस ऑपरेटर को चाहिए, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं करेगा। मीन्स वो इजीली मूव कर सकता है और इजीली कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्सेस, मीन्स लेस फोर्स हमने सिर्फ सिंपल लेस फोर्स लगाया और उसमें हमको मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा काम कर सकते हैं हम। थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद भी हम ज़्यादा वजन या ज़्यादा ये उठा सकते हैं उस मशीन से, ठीक है। फिर थर्ड है कांस्टेंट फोर्स एंड टॉर्क, मीन्स उससे हम कांस्टेंट फोर्स एंड टॉर्क पैदा कर सकते हैं, बाकी मशीन से नहीं कर सकते। ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। फोर्थ है सिंपल एंड सेफ एंड इकोनॉमिकल। ये बहुत सिंपली और सेफ भी है और इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस के बाद हाई कैपिटल कॉस्ट, जो मतलब खरीदने में जब लगता है तो ये बहुत महंगी मशीन से आती है, इसलिए हाई कैपिटल कॉस्ट। फिर सेकेंड डिसएडवांटेज है हाई एक्सप्लोजिव हजार्ड इफ पंप लीकेज। इसका मतलब क्या था, जब वो हाइड्रोलिक का जो केबल जो उसमें जो लिक्विड फ्लो करते हैं हम पंप की मदद से, अगर वो पंप में लीकेज होगा तो वो बहुत एक्सप्लोजन कर सकता है, मीन्स उसमें हीट कैप्चर हो गई तो वो एक्सप्लोजिव साबित हो सकता है। और थर्ड है फिल्ट्रेशन इज क्रिटिकल। तो जब हम उस हाइड्रोलिक केबल में जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं या जो भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो फिल्टर्ड होना चाहिए, मीन्स उसमें लम्स नहीं होना चाहिए, ना वो ऑयल की डेंसिटी एकदम सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो ये रहा हमारा हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो हमारे एक व्यूअर ने हाइड्रोलिक्स के ऊपर कहा था तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया। तो आपको भी जो वीडियो मीन्स आप भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, तो मैं उस पर बनाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर सपोर्ट।